गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर प्रेम प्रताप सिंह की ज्यादा शराब पीने की वजह से दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने मीडिया से वादा किया था कि वो साधु के आदमियों को पकड़ेंगे और तब वो नशे में थे। और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और इसीलिए इसी वक्त से उन्हें सस्पेंड किया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये सामने पड़ी लाश है रॉकी रसूल की, साधु भाई का खास आदमी। तेरा नाम आदेश है, इसलिए तूने आदेश का वेट किया और मैंने इनका नाम लेट में दर्ज किया। मैं वो शख्स हूँ जिसकी सांसें शेर की दहाड़ से भी खतरनाक होती हैं, और तू वो बिल्ला है जो सबसे ढिल्ला है। ये प्रेम प्रताप का साधु भाई को चैलेंज है कि तुम्हें मैं ढूंढ निकालूंगा और खुली सड़क पे तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। बंदूक में से निकलती है गोली और तोप में से निकलता है गोला। अब वही होगा जो ये प्रेम प्रताप बोला। वाह 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 वाह, धज्जियां उड़ा दी सर। आपका ये अंदाज देखकर तो आपके साले और आदेश का पैकअप हो गया। एक काम करो राम, हमारे लिए कन्या लेकर आओ। ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? इसमें बेहुदा जैसा क्या है? जैसे फिल्मों में एक आइटम सॉन्ग होता है वैसे ही मुझे भी आइटम सॉन्ग करने दो। आइटम सॉन्ग? और मुझे कोई देसी नहीं विदेशी चाहिए, या रशिया से लाओ या स्विट्जरलैंड से, वो तुम्हारे ऊपर है। नहीं सर, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है, ख्वाब में सब हो सकता है। ये ख्वाब ही है ना? ख्वाब है, लेकिन परेशानी है कि इसका फैसला हम नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? सोता हुआ प्रेम प्रताप करेगा। जिस लड़की को वो चुनेगा वही उसके लिए आइटम सॉन्ग करेगी। अरे चाचा को बताओ ना। सही है, पता नहीं उसकी क्या ख्वाहिश है। भाई ये वही पुलिस का खबरी है जिसने हमारी बम ब्लास्ट की बरसों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। मरने से पहले एक बात जान ले, मैं अपने हर मंसूबे को पूरा करता हूँ। साधु को आज तक कोई रोक नहीं पाया। एक शख्स है। कौन है वो? बादशाह का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में खौफ दिखने लगा है। तुम्हारी मौत बादशाह के हाथों ही होनी है। तेरे मरने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। बादशाह उसी के साथ है जिस ऑफिसर के साथ मैं काम करता हूँ। कौन है वो ऑफिसर? कौन है वो? कौन है वो ऑफिसर? उसका नाम क्या है? कौन है वो ऑफिसर? बादशाह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। भाई मुझे पहले भी उसने पीटा था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अब समझ गया हूँ, वो नकाबपोशी बादशाह है। बिल्कुल भाई, क्योंकि प्रेम प्रताप सिंह तो कभी बादशाह हो ही नहीं सकता। उसकी औकात किसी पॉकेटमार को पकड़ने की भी नहीं है। उस बेवकूफ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है तो बादशाह और उसके पीछे जो पुलिस ऑफिसर है उससे। शादी का वक्त जैसे नजदीक आ रहा है, सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है। फिक्र मत करो, तुम्हें मैं अपना बना कर रहूंगा, थोड़ा इंतजार तो करो। रामराज मर गए। तू यहाँ पे किसी की शादी करवाने आया था और खुद सुहागरात मना रहा है? तू कैसा बेहुदा इंसान है? जिस पतीले में खाता है उसी में छेद करता है, शर्म नहीं आती तुझे? ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? तो फिर किससे पूछो? अरे उस सोते हुए प्रेम प्रताप से। कितनी बार समझाया कि ये लोग आने वाला दृश्य सब उसका ख्वाब है, फिर भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ हाँ याद आ गया, माफ करना यार, पहली बार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। उस जाहिल की सोच इतनी वाहियात कैसी? लो कर लो बात, ये मुझे कैसे पता? सही कहा, लेकिन ये सब जानकी को याद तो नहीं रहेगा ना? अरे पागल है आप, आपका ख्वाब उसे कैसे याद रहेगा? माफ करना मेरे भाई, वो प्रताप की सोच की वजह से ये प्रताप कंफ्यूज हो जाता है। राम, उन्होंने हमारे मुखबिर केशव को मार दिया है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि साधु भाई इस वक्त शहर में ही मौजूद है। तुम जरा होशियार रहना, हमारा मिशन पूरा होने से पहले बादशाह के बारे में किसी को भी भनक ना लगे। मैं बादशाह हूँ, इसकी खबर तो मेरी माँ को भी नहीं है सर। ठीक है, रखता हूँ सर। अच्छा बता, पूरे मुल्क की पुलिस जिसे तलाश रही है वो तू है? नहीं माँ, मैं अब एक लफ्ज भी मत बोलना। जिस बात का खौफ था वही हुआ, अपने बाप की तरह तू भी एक मुजरिम बन गया ना? जी जी, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। माँ मेरे बादशाह बनने की वजह से तू है। माँ ये कब आएगा? आता ही होगा। कैसी हो माँ?
आ गया तू? कैसे भैया? बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्धू, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तू जानता है ना, सोचा साथ बैठकर नाश्ता करेंगे तो आज भी ले। इसके देरी से आने के पीछे कोई वजह होगी। बस उसी की तरफदारी करिए आप। ये प्रिंट करा रहा था इसलिए देर हो गई। तुम जब कॉफी पियोगे तो तुम्हें मेरी और माँ की याद आएगी, और जब हम कॉफी पियेंगे तो हमें तुम्हारी याद आएगी। देखा इसे, ये है मेरा बेटा। पागल है ये, हाथ लाओ। अरे भैया, अब तो मुझे हर पल याद करता रहेगा। कैसा लगा माँ? जिंदगी भर ऐसे ही रहना। मैं तो रहूंगा माँ, इन पे शक है। मुझ पर शक है? वो तो होगा ही, सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ के यूएस जो भाग रहे हो। देख, यहाँ आईएएस और आईपीएस जो कमाते हैं ना, उससे वहाँ 10 गुना ज्यादा कमाऊंगा। सबकी सोच ऐसी हो गई है, इसी वजह से हमारा हिंदुस्तान आज पीछे रह गया। अच्छा, बैंगलोर का है? हिंदुस्तान में ही है ना। अच्छी नौकरी मिल रही थी फिर भी नहीं गया, पूछो इसे। तू वहाँ क्यों नहीं गया? माँ, भाई तो आपके साथ बचपन से है, मुझे तो आपने गोद लिया था ना, इसलिए अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। मुझे सड़क से उठा के अपनी औलाद की तरह पाल पोस के बड़ा किया, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। फालतू बात करेगा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। देखो ना माँ, मुझे एक पल में पराया कर देता है। अरे माफ करो भाई, आइंदा नहीं बोलूंगा। ऐसा कहा ही क्यों? अरे माफी मांगी ना। अब जाने भी दे राम, ये जबरदस्ती खफा हो जाते। नाश्ता करो। अरे माँ, मैं अपना बैग भुलाया, अभी लाता हूँ। संभल कर रोड क्रॉस करना। मैं ठीक हूँ। देर हो रही है, जल्दी आ। तहकीकात से पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में साधु भाई का हाथ है। हमने टीम लगा दी है, दोबारा ऐसा हादसा ना हो इसलिए हमने कई कड़े इंतजाम किए हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट में मरने वाले के परिवारों को सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। भाई, ये खबर पढ़ी तुमने? पूना की बेकरी में बॉम्ब ब्लास्ट, बेचारे कई मासूम लोग मारे गए। हिंदुस्तान में ऐसा होता रहता है। इस ब्लास्ट में मैं मरता तभी यही कहते। इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ गरीबी नहीं है, टेररिस्ट और माफिया ही असली तकलीफ है। इन सबको साथ में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। सर, मैं पुलिस फोर्स में पावा और प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए आना चाहता हूँ। मैं साधु के गैंग को खत्म करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हमारे देश में बेकसूर लोगों की जाने गई है। इसीलिए मैंने प्रीलिम्स में 90% स्कोर किए थे, फाइनल्स 95% से क्लियर किए, ट्रेनिंग पीरियड के हर इवेंट में फर्स्ट ग्रेड से सिलेक्ट हुआ हूं। फिर भी आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, वजह जान सकता हूं सर? तुम्हारे पिता, तुम्हें रिजेक्ट करने की वजह है तुम्हारे पिता धनराज। मेरे पिता 20 साल पहले गुजर गए, वो वजह कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पिता जिंदा है। तुम जिस साधु को खत्म करना चाहते हो, उसी साधु के साथ मिलकर तुम्हारा बाप कसीनो चलाता है, और कानून के मुताबिक जिस परिवार की क्रिमिनल हिस्ट्री हो उसे भर्ती नहीं करते, इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट।